This video is for educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी जो तीन बार फांसी के बावजूद जिंदा बच गया, उस दिन जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी प्रक्रिया के पालन के बावजूद मुजरिम जिंदा खड़ा था। लीवर खींचा गया, लेकिन मुजरिम जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। अपराध की ये एक हैरतअंगेज कहानी है जो शायद ही पहले सुनी हो। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के डेवान नाम के शहर से। साल 1850, 23 फरवरी सुबह जेलर साहब अपने घड़ी को देख रहे थे और जल्लाद देख रहा है फांसी के लीवर को। बगल में है फांसी का एक तख्ता जिस पर खड़ा है एक छोटा हाइट वाला मुजरिम। हाथ पीछे बंधे हैं। मुजरिम ने चेहरे पर साफ नकाब पहना है। नकाब के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उम्मीद लॉजिक की मोहताज नहीं होती। मुजरिम का सर आसमान की तरफ है, तभी वो घड़ी आ जाती है। जेलर का एक इशारा और जल्लाद लीवर खींच देता है। फांसी में आवाज नहीं होती, ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता। मौत चाहे खतरनाक मुजरिम की ही क्यों ना हो, मौत की इज्जत रखी जाती है। उस दिन भी कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन आज वजह दूसरी है। जेलर जल्लाद को देखता है और जल्लाद जेलर को। जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। पूरी प्रक्रिया के पालन के बावजूद मुजरिम जिंदा खड़ा है। लीवर खींचा गया, लेकिन मुजरिम जिन दो फट्टों पर खड़ा था वो खुले ही नहीं। जेलर साहब आदेश देते हैं कि मुजरिम को फांसी के तख्ते से हटा लिया जाए। इसके बाद मरम्मत करने वाले को बुलाया जाता है। फट्टी की मरम्मत होती है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए जेलर साहब एक दूसरे कैदी को लेकर आने को कहते हैं। इस नए कैदी को फट्टे के ऊपर चढ़ाकर खड़ा किया जाता है। उसके हाथ दो लोगों ने पकड़े हुए थे। जल्लाद लीवर खींचता है। अब की बार फट्टा खुलता है और कैदी नीचे लटक जाता है। उसे खींचकर ऊपर लाया जाता है। जेलर साहब संतुष्ट थे। प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हुई, नकाब, फंदा, लीवर, लेकिन नतीजा एक बार फिर वही था। मुजरिम की प्रार्थनाओं में शायद असर था, क्योंकि फट्टा एक बार भी नहीं खुला। जेलर साहब जल्लाद से एक तीसरी कोशिश करने को कहते हैं, लेकिन इस कोशिश का भी कोई असर नहीं हुआ। मुजरिम की किस्मत में इस रोज मौत नहीं लिखी थी। जेलर साहब नौकरी की चिंता में एक और कोशिश को तैयारी हो रहे थे कि तभी वहां खड़े एक मेडिकल अफसर से देखा ना गया। वो जेलर के पास आया और बोला, फांसी देना ही है तो आटे के बोरे मंगा लो, मैं अब और आपको इस इंसान की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। जेलर साहब ने तंग आकर फांसी रोक दी। मुजरिम को वापस जेल में भेज दिया गया। जेलर के तमाम कैदियों में ये बात फैल चुकी थी। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या कोई जादू था जो फांसी को रोक रखा था? क्या कोई मुजरिम की किस्मत इतनी अच्छी थी या वजह कुछ और थी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको इस घटना से 3 महीने पहले लेकर चलते हैं। 15 नवंबर 1984 की तारीख। मुजरिम तब मुजरिम नहीं था, उसका नाम था जॉन ली। एक गरीब घर में पैदा हुआ जॉन ली नेवी में काम कर चुका था। वहां चोट लगने के बाद रिटायर्ड हुआ और एक फौजी कर्नल के घर नौकर का काम करने लगा। नौकरी यूं सब करते हैं, लेकिन सबको नौकर कहा नहीं जाता। जॉनी ली वो नौकर था जिसे नौकरों की तरह पेश आया जाता था। उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। 6 महीने बाद उसकी रिहाई हुई और तब एक नेक दिल औरत ने उसे अपने घर बागवानी का काम करने के लिए रख लिया। इस औरत का नाम था एमा कीच। एमा एक अनमैरिड लेकिन अमीर महिला थी। उसका बड़ा सा घर था जिसमें वो अकेली रहती थी। 15 नवंबर 1984 की रात एमा जल्दी सोने चली गई। सुबह हुई तो लोगों ने देखा एमा की हत्या हो चुकी है। हत्या के सबूत छिपाने के लिए उसके घर को आग लगा दी गई थी। यूं तो एमा के घर में कई नौकर काम करते थे, जिनमें एक जॉन ली की सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस भी थी, लेकिन उस रोज घर में सिर्फ एक नौकर था।
जॉनी की उम्र तब 20 साल की थी। हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चला। यूं जॉनी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, फिर भी उसे दोषी माना गया। जूरी ने 45 मिनट की सुनवाई के बाद उसे फांसी की सजा सुना दी। केस पूरा हो गया, लेकिन इसमें कई पेच थे। जैसा पहले बताया, परिस्थिति के अनुसार साक्ष्यों के आधार पर जॉनी को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जिस शख्स ने उसका केस लड़ा उसके बारे में ये अफवाह भी थी कि उसका जॉनी की सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस के साथ प्रेम प्रसंग था। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ हैरिस घटना के वक्त गर्भवती थी। जिस रोज हत्या हुई उस रात की कहानी जॉनी ने बाद में दो पुलिस वालों को सुनाई थी। उसके अनुसार उस रात एमा कीस के सोने जाने के बाद घर में एक पार्टी हुई जिसमें शहर का एक संभ्रांत व्यक्ति और उसकी प्रेमिका शामिल हुए थे। शोर सुनकर एमा कीस की नींद खुल गई, जिसके बाद तथाकथित संभ्रांत व्यक्ति और एमा कीस के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद उसने एमा कीस की कुल्हाड़ी से हत्या कर डाली। सबूतों पर पर्दा डालने के लिए घर को जला दिया गया। इस काम में जॉनी ने भी मदद की थी, लेकिन वो संभ्रांत व्यक्ति कौन था इसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो आदमी वही वकील था जिसने उसका केस लड़ा था और जो उसकी बहन का प्रेमी था। सच जो भी रहा हो, अंत में ये हुआ कि जॉनी को दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। सजा सुनाने के बाद जज ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो उसने जवाब दिया, मैं बिल्कुल शांत हूँ क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। यहाँ से अब हम लोग दोबारा एक बार चलते हैं फांसी की तारीख पर। फांसी की सुबह जॉनी ने जेल के दो गार्ड्स को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि पिछली रात उसने एक सपना देखा था। सपने में उसे दिखाई दिया कि वह फांसी से बच गया है। इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ, 3 बार की कोशिश के बाद भी उसे फांसी नहीं लग पाई। उसका केस सरकार के पास भेजा गया। गृह सचिव ने जब उसकी कहानी सुनी तो उन्हें उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। जॉनी 22 साल तक जेल में रहा। 1907 में जब वो बाहर निकला तो वो एक बार फिर छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन चुका था। आम लोगों के लिए वो एक जादू था और लॉजिकल सोच रखने वालों के लिए एक अनसुलझी पहेली। जॉनी को फांसी क्यों नहीं हुई, इस पर कई लोगों ने किताबें लिखी और अपना अपना लॉजिक दिया। उसे फांसी देने वाले जेलर ने अपने बुक में लिखा कि उस रोज बारिश हुई थी जिसके कारण शायद लकड़ी फूल गई थी, इसलिए लीवर खींचने के बाद फट्टे आपस में अटक गए थे। हालांकि इस बात से इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब एक दूसरे कैदी के साथ परीक्षण किया गया तब फट्टे कैसे खुल गए। इस सवाल का एकमात्र जवाब अर्नेस्ट बाविन नाम के एक लेखक ने अपनी किताब लाइट ऑफ द लॉ में दिया है, जिसके अनुसार एक दूसरा कैदी फांसी के तख्ते के नीचे छुपा था। जैसे ही फांसी का लीवर खींचा गया वो एक लकड़ी डालकर फट्टे को ब्लॉक कर देता। दूसरी तरफ जब परीक्षण किया जाता तो वो लकड़ी हटा लेता जिससे लीवर ठीक काम करने लगता। इसके अलावा बाकी कई लोगों की राय यह है कि ऐसा होना महज इत्तेफाक था, जो उपकरणों के ठीक काम ना करने की वजह से यह हुआ। असलियत में जो भी हो, इतना सच है कि जॉनी 3 बार फांसी लगाए जाने से बच गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने शादी की, 2 बच्चे हुए। हालांकि अपनी पत्नी को छोड़कर वो एक नई प्रेमिका के साथ अमेरिका चला गया। आगे इसका क्या हुआ ठीक ठाक किसी को पता नहीं, लेकिन कई जगह जिक्र मिलता है कि वो 1945 तक अमेरिका में रहा और वहीं उसकी मौत हो गई। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।